सबका आदाब। कल एक किडनैप केस को सक्सेसफुली बहादुरपुरा पुलिस ने ट्रेस किया। कल अराउंड 3 o'clock के शाम, दोपहर के 3 बजे के आसपास किशनबाग पार्क से एक 1.5 साल की बच्ची को किडनैप किया गया। और हमारा जैसे कंप्लेंट आया तकरीबन 7 बजे के आसपास कंप्लेंट आया, तो पूरा टीम्स बन के टोटल 4 टीम्स बना के तीन टीम बना के पूरा 100 से ज़्यादा सीसी कैमरा चेक करके हम लोग उनको ट्रेस करके जो किडनैप किया और जो बच्ची को दोनों को विदिन 5 घंटे के अंदर ही हम लोग उनको बच्ची को सेव कर पाया एंड उनको पेरेंट को हैंड ओवर किया। डिटेल्स पे जाएंगे तो एक्चुअली कल शाम को 3 बजे के आसपास बच्ची का जो फैमिली है सभी लोग पार्क पे आए थे, किशनबाग पार्क पे। तो जो टिकट्स खरीदने गए तो बच्ची बाहर उनसे ग्रुप से बाहर आ गए, तो अक्यूज जो है नसीम बेगम ये भी किशनबाग के रहने वाली महमूद नगर की, तो उनका जो बच्चों पे एक बेटी है आयशा बेगम सबसे बड़ी है जिनका कोई बच्चा नहीं है, तो ये जो विक्टिम बच्चे को चुरा के किडनैप करके बस आयशा बेगम को देने का प्लान पे था। और वैसे ही वो कल ये जो विक्टिम को पास कोई नहीं था तो देख के वो 1.5 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया नसीम बेगम ने, और गलियों से फिरते हुए अपने जो बड़ी बेटी है आयशा बेगम को देने के लिए गए थे, आयशा बेगम को हैंड ओवर भी किया था। तो ये सारी कोई ये इल इंटेंशन जो छोटी बच्ची जो बोल नहीं पा रही है उसको किडनैप करना और किडनैप करके कोई दूसरे को देना, पूरा एक प्रॉपर किडनैपिंग का हिस्सा बनते। तो हमारा जैसे कंप्लेंट आया तो तुरंत हमारा टीम सारी बहादुरपुरा पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि टीम्स डिवाइड करके हर एक सीसी कैमरा जो किशनबाग पार्क से जा रहे थे और जिसके ऊपर डाउट थे सारी वेरीफाई करते हुए वो हम लोग इतना तक फॉलो किया कि कौन सी ऑटो पे चढ़ी, कौन सी ऑटो पे उतरी, वहाँ तक हम लोग फॉलो करते हुए उनका घर तक पहुँचे। तो रास्ते में हम लोग उनको इंटरसेप्ट कर पाया, ये दाड़बन क्रॉस रोड्स पे उन लोग को वो ऑटो से उतरते हुए हम लोग फॉलो करते हुए गए तो उन लोग को पकड़ लिया एंड बच्चे को तुरंत उनका पेरेंट्स के पास हम लोग पहुँचाए। ये सारी ऑपरेशन जो है ये सुधाकर ACP फलकनामा के ये सुपरविजन पे हुआ था, और इंस्पेक्टर श्रीशैलम DI बहादुरपुरा और SI श्रीकांत, भिक्षम, मल्ला रेड्डी, नर्मदा सभी लोग मेहनत किया, और क्राइम टीम बहादुरपुरा का क्राइम टीम था और फलकनामा का कालापत्थर का क्राइम टीम सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किया। सभी लोग को हम बधाई बात बोल देता हूँ क्योंकि इतना अच्छा काम है, एक नाजायज एक छोटी बच्ची मासूम बच्ची को उन लोग ने रेस्क्यू करके फिर अपने माँ बाप के पास पहुँचाया, तो उसके लिए हम सभी लोग को अप्रिसिएशन भी दे रहे हैं एंड साथ साथ कैश रिवॉर्ड भी दे रहे हैं। मीडिया का थ्रू सभी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जब भी बाहर जाते अपने छोटा बच्चे जो बोल नहीं सकते, छोटा बच्चे जो भी जो बोल नहीं पाते उन लोग को खास तौर के ज़्यादा ध्यान रखना है, सबको ऊपर ध्यान रखना है बट जो छोटे बच्चों के ऊपर और खास तौर के ध्यान रखना है, क्योंकि तो वैसे कुछ कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं जो पकड़ के लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आपके थ्रू सभी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जब बाहर जा रहे तो खास तौर के ध्यान रखें, और साथ साथ जब भी कोई आपको दिख रहा है कि एंटी सोशल एलिमेंट या कोई भी बंदा जो किडनैप करने का है या कोई और गलत तरीका का सोच रहा है या गलत तरीका करने की कोशिश कर रहा है, आपके पास इंफॉर्मेशन है तुरंत हमको इंटीमेशन दे दीजिए। इनके साथ को भी एक डाउट आ सकता है कि हाँ कभी अब भी जाते तो कभी कोई बच्चा कहीं गुम गया मिलते तो तुरंत प्लीज लोकल पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हम लोग चाइल्ड लाइन के हेल्प लेके उन लोग बच्चों को अपना उनका माता पिता के पास पहुंचाने का एफर्ट हम करेंगे। थैंक यू। Yes. Thank you. Mother and daughter. Mother and daughter.